हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मिशन जीरो डिफेक्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईएसओ 9001 2015 का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका नाम है जॉब कार्ड। और हमारे आज के वीडियो का पर्पज़ है डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंटेशन एट योर कंपनी, और डॉक्यूमेंट का नाम है जॉब कार्ड, और इसका आईएसओ 9001 2015 का जो क्लॉज है वो है 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट। दिस इज द जॉब कार्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके कंपनी का नाम टाइप करना है, यहाँ पे कंपनी का लोगो इंसर्ट करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आपको जनरेट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है MZD/PRD/02। MZD मीन्स आपके कंपनी का जो इनिशियल लेटर्स है वो आपको यहाँ पे टाइप करके, उसके बाद ऑब्लिक में ये डॉक्यूमेंट जो भी जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है उसका एक शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है PRD मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट /02। इसको एक सीरियल नंबर आपको देना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल के लिए 02 दिया है। उसके बाद जॉब कार्ड का नंबर यहाँ पे आना चाहिए, हमने यहाँ पे दिया है 001। आप इस तरह से भी दे सकते हैं, जैसे कि JC-001, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे भी आप रख सकते हैं 001। ओके, उसके बाद जिस दिन में भी आप ये जॉब कार्ड बना रहे हो उस दिन का डेट यहाँ पे आपको टाइप करना है, और यहाँ पे पेज नंबर आपको लिखना है 101। हम जॉब कार्ड कब तैयार करते हैं, जब वो हमको वर्क ऑर्डर रिसीव होता है उसके बाद में बाद ही हम जॉब कार्ड बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, जो भी वर्क ऑर्डर में जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वही आपको यहाँ पे जॉब का नाम डालना है यहाँ पे इसमें। तो हम जैसे कि यहाँ पे डाला है एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो, उसके बाद उसका ड्राइंग नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है ABC/DD/W-110, जो भी ड्राइंग नंबर है आप उसमें टाइप कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद वर्क ऑर्डर में जो नंबर लिखा है वही आपको यहाँ पे वर्क ऑर्डर नंबर यहाँ पे इधर टाइप करना है। उसके बाद कस्टमर का जो PO रहता है उसका PO नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है, उसके बाद ऑर्डर जिस दिन डेट पे आपको रिसीव होती है उस दिन का डेट यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद जो डिलीवरी शेड्यूल है जो वर्क ऑर्डर में दिया है वही डेट्स आपको यहाँ पे टाइप करनी है। अगर ऑर्डर बड़ा है तो उसको 3 व्हीकल अगर रिक्वायर्ड है तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिए है फर्स्ट डिस्पैच, सेकंड डिस्पैच एंड थर्ड डिस्पैच, एंड रिस्पेक्टिवली आपको डेट भी वैसे ही आपको टाइप करनी है। उसके बाद वर्क ऑर्डर में जो पार्ट हमें बनाना है उसका जो क्वांटिटी है उसका क्वांटिटी यहाँ पे टाइप करना है आपको। उसके बाद ऑर्डर कहाँ पे डिलीवर करना है कस्टमर को, कस्टमर का जो एड्रेस है डिलीवरी एड्रेस है वहाँ पे यहाँ पे आपको टाइप करना है, और कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। नेक्स्ट स्टेप है मटेरियल सर्टिफिकेट नंबर। इस पार्ट को बनाने के लिए आपको जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, और आप जब भी वो मटेरियल परचेस करते हैं तो उसके साथ आपको मटेरियल सर्टिफिकेट मिलता है यानी टेस्ट सर्टिफिकेट, तो उसका ही आपको डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे टाइप करना है। और ये पार्ट जब भी अपना कंप्लीट होता है तब जो इंस्पेक्शन हम करते हैं उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद जिस दिन पे भी आप इंस्पेक्शन किया है उस दिन का यहाँ पे डेट आपको टाइप करनी है, और यहाँ पे स्पेशल नोट आप लिख सकते हैं अगर वर्क ऑर्डर में मेंशन किया है, अगर इसमें कुछ नॉन स्टैंडर्ड आइटम्स या कुछ कस्टमर की अलग रिक्वायरमेंट्स अगर रहेगी तो वो ही आपको यहाँ पे स्पेशल नोट में ऐड करना है, ताकि जब भी प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन इंजीनियर इस पार्ट को ले तो वो स्पेशल नोट पढ़ के उसको समझ में आ सकता है इजीली। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, देखो एग्जांपल के लिए कलर कोड इज RL90104 एल्यूमिनियम सेक्शन, मतलब इस विंडो को जो भी एल्यूमिनियम सेक्शन लगाने वाले हैं उसका जो कलर है कलर कोड पाउडर कोटिंग के बाद में वो चाहिए उसको RL90104। नेक्स्ट स्टेप है अपना मटेरियल डिस्क्रिप्शन एंड अवेलेबिलिटी, मतलब मटेरियल प्लानिंग इसको हम कह सकते हैं। तो अभी एल्यूमिनियम विंडो ये जो हमने पार्ट लिया है उसके लिए जो भी मटेरियल हमको रिक्वायर्ड है उसका मटेरियल का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको टाइप करना है, उसका एक मटेरियल कोड भी आपको ERP सॉफ्टवेयर में जनरेट करके लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी मटेरियल कोड जनरेट किया है। उसके बाद मटेरियल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद वो मटेरियल कितना स्टॉक में है अपने फैक्ट्री में वो यहाँ पे आपको टाइप करना है,
उसके बाद ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए अपने को कितना मटेरियल चाहिए, तो वो टोटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप हमको टाइप करना है। उसके बाद जो ऑर्डर क्वांटिटी हमने हमें देनी है, अगर जितना मटेरियल हमको लगने वाला है उससे जो भी स्टॉक अवेलेबल है वो माइनस करके जो भी क्वांटिटी आपकी आती है वही आपको परचेस करनी है। तो इसी तरह से सब जितना भी पार्ट आपको, जितना भी मटेरियल इस पार्ट वाट को बनाने के लिए जो आपको लगेगा वही सबका इधर लिस्ट में पूरा एंट्री करना पड़ेगा, और जो भी रिक्वायरमेंट जो भी ऑर्डर क्वांटिटी आपका आएगा यहाँ पे उसका परचेस रिक्वेजिशन प्रिपेयर करके उसको आपको परचेस डिपार्टमेंट के पास भेजना है। तो रिमार्क में आप परचेस रिक्वेजिशन जो नंबर रहेगा, आप परचेस रिक्वेजिशन तैयार करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट का नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद कुछ स्पेशल नोट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं मटेरियल की रिगार्डिंग, जैसे कि अभी ये मटेरियल रिक्वेजिशन परचेस रिक्वेजिशन आपने प्रिपेयर किया है तो आपको ये मटेरियल कितने तारीख से पहले चाहिए, कितने दिन में चाहिए, तो ये वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है परचेस रिक्वेजिशन मेड एंड सेंड टू परचेस डिपार्टमेंट, मटेरियल विल बी रिसीव्ड इन 5 to 6 डेज फ्रॉम द डेट 3 March 2022, मटेरियल विल बी रिसीव्ड ऑन द डेट 8 March 2022। ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, आप कंफ्यूज मत होजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सबसे पहले इसमें हमको फिनिश गुड्स हमारे पास क्या अवेलेबल है वो आपको चेक करना है। अगर कुछ फिनिश गुड्स रहेगा मतलब जो भी अभी ऑर्डर आया है उसका जो पार्ट ऑलरेडी अपने फैक्ट्री में फिनिश है या अवेलेबल है तो आपको वो क्वांटिटी यहाँ पे फिनिश गुड्स में आपको टाइप करना है। अगर कोई पार्ट्स ऑलरेडी WIPR इन प्रोसेस में है तो आपको उसका क्वांटिटी यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद कितना क्वांटिटी आपको फाइनल क्वांटिटी बनाने का है यहाँ पे आपको टाइप करना है, मतलब आपका आपके पास फिनिश गुड भी कुछ नहीं है और वर्क इन प्रोग्रेस में भी कुछ नहीं है, तो फाइनल क्वांटिटी आपको बनाना है 150 नंबर्स, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 150 नंबर्स लिया है। तो इसका टारगेट डेट मतलब आपको कितने तारीख से पहले वो पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट करना है वो टारगेट डेट हमको फिक्स करनी पड़ती है और यहाँ पे आपको टाइप करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑर्डर आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से डेट पे स्टार्ट किया तो उसका स्टार्टिंग डेट यहाँ पे आएगा, और ऑर्डर का एंड डेट मतलब जो भी आपका प्रोडक्शन एंड होगा उसका एक डेट आएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप है अभी अपना ऑपरेशन डिटेल। इसमें आपको वर्क स्टेशन नंबर, आपके पास जितने भी वर्क स्टेशन है जिस इस पार्ट को बनाने के लिए लगने वाले है उसका स्टेशन का पूरा नंबर यहाँ पे आएगा। उसके बाद ऑपरेशन सिक्वेंस, पहला कटिंग है, फिर ड्रिलिंग, फिर फिटिंग, फिर फिनिशिंग और बाद में पैकिंग, तो ये सीक्वेंस हो गया। आपको ऐसा सीक्वेंस वहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको टाइम स्टडी का रिकॉर्ड यहाँ पे टाइप करना है, मतलब स्टार्ट डेट कौन सी है, वो अभी ये कटिंग कौन से डेट पे एंड हुआ है वो एंड डेट यहाँ पे लिखना चाहिए। फिर बाद में इसके लिए कटिंग के लिए आपने को कितना पूरा टोटल टाइम कितना लगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिया है 72 hours कटिंग के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे 72 hours हमने टाइप किया है। और इसका टारगेट डेट अचीव हमको हुआ है इस दिन पे, मतलब 9 March को यह अचीव हुआ है टारगेट, इसलिए हमने यहाँ पे अचीव डेट दिया है, टारगेट अचीव डेट, ठीक है। इसी तरह से आप सभी प्रोपरेशंस के जो भी टाइम्स है, जो भी रिकॉर्ड्स है आपको यहाँ पे टाइप करना है। इससे क्या होगा, आपको प्रोडक्शन का स्टेज क्या है, आपका शेड्यूल उससे मैच हो रहा है कि नहीं, और का ऑर्डर हम टारगेट डेट से पहले दे सकते हैं कि नहीं, वो यहाँ पे आपको मॉनिटर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा है जॉब इज कंप्लीटेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ वर्क ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है ये जो ये डॉक्यूमेंट जिसने भी प्रिपेयर किया है उसका फिर यहाँ पे डिसिग्नेशन आएगा, और जिसने चेक किया है उसका डिसिग्नेशन यहाँ पे आएगा, और जिन्होंने अप्रूव किया है इस डॉक्यूमेंट को उनका डिसिग्नेशन आएगा, और बाद में तीनों का यहाँ पे साइन सिग्नेचर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है, जो भी हम सभी डॉक्यूमेंट्स को रिवीजन और रिवीजन डेट इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिवीजन 00 दिया है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है इसलिए हमने यहाँ पे रिवीजन 00 दिया है। और रिवीजन डेट जो है जिस दिन में हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है उस दिन का, मतलब जिस दिन में हमने डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है उस दिन का रिवीजन डेट हमको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय चांस आपको अगर इसमें कुछ भी करेक्शन करना है, मतलब मॉडिफिकेशन करना है डॉक्यूमेंट में, तो आपको यहाँ पे रिवीजन में 01 लिखना पड़ेगा। उसके बाद जिस दिन में आपने ये डॉक्यूमेंट मॉडिफाई किया उस दिन का आपको ये डेट आपको यहाँ पे टाइप करना है।
तो दोस्तों इसी तरह से हमने आज प्रोडक्शन जॉब कार्ड का एक डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल लिया है। तो आपको ये अगर डॉक्यूमेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसको रिप्लाई देंगे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।